हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपने टाइटल से देखा होगा, हम आज एक 5 मिनट का होम चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, ओनली योर बॉडी वेट। तो ये जो चेस्ट वर्कआउट होने वाला है, दिस विल नॉट ओनली वर्क योर चेस्ट, दिस विल ऑल्सो वर्क योर शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, आपकी कोर, एवरीथिंग विल बी वर्कड। आपका पूरा अपर बॉडी वर्क करेगा। एंड अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग मी इन दिस वीडियो। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैट है देन इट्स गुड, अदरवाइज फ्लोर विल ऑल्सो डू। गेट ए वाटर बॉटल, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। 5 मिनट का वर्कआउट है बट इट विल बी थोड़ा सा टायरिंग। तो क्योंकि ये एक चेस्ट वर्कआउट होने वाला है तो इसमें बहुत सारे पुशअप्स के वेरिएशन होंगे, होल्ड्स होंगे, वाइड ग्रिप स्टैंड्स होंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे इन दिस रूटीन वो होगी एक लैडर वर्कआउट। हमें 15 नॉर्मल पुशअप्स, 10 वाइड पुशअप्स और 5 डायमंड पुशअप्स करनी है। अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं तो आप 20, 15 और 10 भी कर सकते हैं। यू कैन इवन इंक्रीज द रेप्स इवन मोर। और अगर आप एक बिगनर हैं देन यू कैन स्टार्ट विद 12, 10 एंड 5। तो विदाउट एनी डीले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 15 स्टैंडर्ड पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स। तो लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Try to keep your elbows close to the body. अपनी elbows को body से close रखें। Look straight. Keep your body in a straight line. अपने core को tight रखिए और 15 proper push-ups पूरा नीचे जाते हुए and then try to come up with a good form and complete 15 reps. अब यहाँ पे आपको 10 seconds का rest मिला है। Next होने वाली है wide stance push-ups। अपने हैंड्स को नॉर्मल से वाइड रखिए एंड लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 स्टार्ट। तो इसमें भी अपनी एल्बोज को अपनी बॉडी से क्लोज रखने की कोशिश कीजिए और वही सेम एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते हुए एंड पूरा डाउन क्लोज टू द ग्राउंड। 10 वाइड स्टैंड पुशअप्स। नेक्स्ट आपको 15 सेकेंड्स का रेस्ट मिल रहा है, उसमें ट्राई टू स्ट्रेच योर आर्म्स, थोड़ा सा रिलैक्स, शेक ऑफ योर आर्म्स। हम नेक्स्ट करने वाले हैं डायमंड पुशअप्स। उसमें आपको एक डायमंड शेप में हैंड्स को रखना है। अगेन एल्बोज क्लोज एंड स्टार्ट। 5 एल्बोज क्लोज टू द बॉडी, लुकिंग स्ट्रेट, कीपिंग द बॉडी इन लाइन एंड डन। ओके, रिलैक्स कीजिए, शेक ऑफ योर हैंड्स अ लिटिल बिट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 5 सेकेंड्स के लिए पुशअप पोजीशन में, जो नीचे हम रहते हैं उसमें होल्ड करेंगे और फिर टॉप होल्ड करेंगे इन अ पुशअप पोजीशन 5 सेकेंड्स के लिए। फिर 5 सेकेंड्स फिर से नीचे जाएंगे, बॉटम होल्ड एंड देन 5 सेकेंड्स ऑन द टॉप अगेन। तो ऐसे हमें 5 बार नीचे बॉटम होल्ड करना है और 5 बार टॉप होल्ड करना है। तो विल बी स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2 एंड स्टार्ट। तो पहले हम नीचे होल्ड करेंगे, काउंट कीजिए इन योर हेड एंड नाउ विल गो अप। ऐसे ही बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, कोर को टाइट रखते हुए नीचे फिर से होल्ड करेंगे। ट्राई टू कीप योर एल्बोज क्लोज, अपनी नीज को लॉक्ड रखिए, पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए जिससे आपकी फॉर्म बनी रहेगी। और हमें अभी और भी करने हैं, टोटल ऑफ 10 करने हैं। तो 5 बॉटम होल्ड, 5 टॉप होल्ड, ये हमारा 6th है, 4 टू गो। Try to give all the strength that you can. जितनी भी strength है, नीचे वाला hold थोड़ा सा मुश्किल होता है but try to hold that. ऊपर वाला फिर भी comparatively easy है। अगर ये नहीं हो पा रहा है then you can get on the knees, अपनी knees पे होके and then आप hold कर सकते हैं। ये last round होने वाला है bottom and इसके बाद last होगा on the top. 4, 3, 2 and that's it. इसके बाद जो होने वाली है वो होगा एक staggered push-ups. आपको रेस्ट मिल रहा है, रेस्ट में आप अपना फ्लेक्स कीजिए अपने मसल्स को, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, उससे थोड़ा सा आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बना रहेगा एंड उससे आपको मसल बिल्डिंग में भी थोड़ी हेल्प मिलती है। तो इस रेस्ट में स्टैगर्ड पुशअप्स का मैं आपको बता देता हूँ। एक हाथ पीछे रखना है, एक हाथ अपने शोल्डर से आगे रखना है। तो पहले हम लेफ्ट पीछे रखेंगे, राइट आगे एंड स्टार्ट फॉर 5 पुशअप्स। 4 down, 3, 2 and 1. Okay, अब हम चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड goes forward, राइट हैंड goes back and 5, 4, 3, 2 and last
ओके, इसके बाद एक वाइड होल्ड करना है, वाइड स्टैंस में ट्राई टू होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स, कीपिंग द कोर टाइट अगेन, जैसे पुशअप पोजिशन में होता है, बस जो आपकी हैंड्स की पोजिशन होगी वो वाइड होगी. कीप ऑन लुकिंग स्ट्रेट, कीप योर कोर टाइट एंड ट्राई टू होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स. वी आर डन विद 3, 2, 1 एंड रिलैक्स. ओके, रेस्ट कीजिए, स्ट्रेच योर आर्म्स, शेक ऑफ योर आर्म्स. अभी आपके मसल्स में अच्छा ब्लड फ्लो हो जाना चाहिए अभी तक. आई होप यू ऑल आर फीलिंग द पम्प. यहाँ पे आप रेस्ट में फिर से फ्लेक्स कर सकते हैं लुकिंग टुवर्ड्स द कैमरा. आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि योर मसल्स आर ग्रोइंग, देर इज सम पम्प इन योर मसल्स. बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, सब कुछ काम कर रहा है. अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो होंगी मैक्सिमम पुशअप्स पॉसिबल इन अ रो. बीच में अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं. एंड विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, स्टार्ट. जितने ज़्यादा पुशअप्स हो सके उतने ज़्यादा कीजिए. अगर 10 से कम पुशअप्स ही लगते हैं तो गेट ऑन योर नीज़ एंड कंटिन्यू. बीच में अगर रेस्ट लेना है तो थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, ऑन योर लेग्स, ऑन योर फुट एंड रेस्ट ले सकते हैं. देन कंटिन्यू अगेन. जितनी भी पुशअप्स पॉसिबल हों, डू नॉट गिव अप टिल यू हैव द लास्ट रेप लेफ्ट इन यू. ओके, दैट वॉज इट. सो द वर्कआउट इज़ डन, 5 मिनट्स आर अप. आई होप यू ऑल इन्जॉयड द वर्कआउट. इट वॉज एन एग्जॉस्टिंग वर्कआउट. आई होप यू किल्ड इट. ओके, सो दैट वॉज इट. द वर्कआउट इज डन, वर्कआउट पूरा हो गया. अब ये 5 मिनट का वर्कआउट था. अगर आपके पास और भी टाइम है एंड यू वॉन्ट टू गो अ फुल फ्लेज वर्कआउट, तो आप इसके 3 to 4 राउंड और भी कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट द रेप्स एंड द टाइम्स. बढ़ा भी सकते हैं अगर ईजी लगता है, कम भी कर सकते हैं इफ इट्स टू डिफिकल्ट फॉर यू. कैच योर ब्रेथ, थोड़ा सा और ध्यान दूंगा, थोड़ा सा सहलो. तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आई नो यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गो हिट द लाइक बटन, कॉमेंट ऑन द वीडियो जो भी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा या जो भी आपको सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज लगी. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ गो एड एंड सब्सक्राइब. वो रेड बटन को प्लीज़ क्लिक कीजिए. इट विल हेल्प मी, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज टू हेल्प यू गाइज. और अगर आप ये वीडियो बस देख रहे हैं यहाँ तक, आपने फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ गो बैक टू द स्टार्टिंग. स्टार्टिंग पे जाइए, गेट योर सेल्फ अ वाटर बॉटल और स्टार्ट कीजिए. आई होप यू इन्जॉयड दिस वर्कआउट. मैं और भी ऐसे वर्कआउट वीडियोज लाता रहूँगा. अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो ज़रूर लाऊंगा. और अगर आपको वेट लॉस, मसल गेन, मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, योर एंड्योरेंस या कैलिस्थेनिक्स, विच आर थोड़े से कूल बॉडी वेट मूवमेंट्स, अगर उनके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा. प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो मी देयर टू नो मी बेटर. तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू. दिस इज़ कौशल साइनिंग ऑफ.